सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के विरुद्ध आदेश जारी कर धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर सांप्रदायिक एवं जातिगत टिप्पणी को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी के चलते सिटी कोतवाली थाने में एक मामला भी दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस लगातार निगाह रख रही है। सोशल मीडिया में विगत माह एक संप्रदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे संप्रदाय के संबंध में अपनी फेसबुक आईडी के माध्यम से लगातार सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की जा रही थी, जिसके बाद मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए मंगलवार को आरोपी के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली रीवा में धारा 153A, 153B, 295A, 298, 505, 188 का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इसी प्रकार एक अन्य आरोपी द्वारा भी दूसरे संप्रदाय के संबंध में अपनी फेसबुक आईडी के माध्यम से लगातार सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की जा रही थी, जिसके विरुद्ध भी प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई है। प्रस्तुत है शिव कुमार वर्मा एडिशनल SP से प्राप्त जानकारी के अंश। ये जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं अभी कि सोशल मीडिया पे कुछ अभद्र कमेंट करना, किसी एक समुदाय के व्यक्ति के द्वारा दूसरे समुदाय के व्यक्ति के खिलाफ करना है, दूसरे समुदाय के लिए करना, इस संबंध में लगातार सोशल मीडिया पे पुलिस के द्वारा नज़र रखी जा रही थी। साथ ही अभी आपको संज्ञान में आया हुआ कलेक्टर साहब ने सोशल मीडिया पर अनापत्तिजनक पोस्ट करने के संबंध में 144 को अभी आदेश जारी किया हुआ है। इसी के तारतम्य में ये संज्ञान में आया था कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे समुदाय के व्यक्तियों के लिए उनके मान्यताओं के विरुद्ध में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी फेसबुक पे शेयर की गई थी, जिसके कारण से मामले को संज्ञान में लेकर थाना प्रभारी कोतवाली के द्वारा प्रथम दृष्टि अपराध पाए जाने से प्रकरण पंजीबद्ध करके उसको विवेचना में लिया गया और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश कर दिया गया, जहाँ से वो जेल चला गया। इसी तरह से एक मामला और आया था कुछ दिन पहले, जिसमें भी इसी तरह का कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण से उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम पंजीबद्ध किया गया था और उसको भी न्यायालय के माध्यम से जेल भेज दिया गया है। लोगों से अनुरोध है कि इस तरह की किसी भी तरह से किसी भी समुदाय विशेष के लिए कोई आपत्तिजनक पोस्ट शेयर ना करें। अगर उनको कहीं से मिलता है तो उसको आगे ना बढ़ाएं, नहीं तो कानूनी रूप से ये अपराध की श्रेणी में आएगा और उनके विरुद्ध फिर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।